नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम करने वाले हैं टाटा इंट्रा V30 का एक टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट। और अभी आप देख सकते हैं हम यहां पे पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं, जहां पे इसका टैंक जो है वो फुल कराएंगे। और आप लोड भी इसके अंदर यहां पे देख सकते हैं, क्योंकि 1300 किलो के अंदर ये पास है, यानी कि 13 क्विंटल, तो वो पूरा वेट जो है इसके अंदर यहाँ पर रखा हुआ है हमने। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इसकी ट्रिप ए है, जो इसका ओडोमीटर है, वो कितने किलोमीटर पर है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो इसकी ट्रिप है वो हमने ट्रिप ए जीरो कर रखी है, ये ट्रिप बी है, ये भी जीरो है। कंप्लीट ये व्हीकल चुका है अभी तक 20,800 किलोमीटर। और फ्यूल आप देख सकते हैं एक सिंगल सेल यहाँ पे है, तो 35 लीटर का इसका टैंक है, जिसको हम यहाँ पे अभी फुल कराने वाले हैं। और उसके बाद इसको 100 किलोमीटर चलाएंगे, और 100 किलोमीटर चलाने के बाद इसको सेम पेट्रोल पंप पे लेके आएंगे और दोबारा से इसका टैंक फुल कराएंगे, ताकि एक कंप्लीट जो माइलेज है वो यहाँ पे आप लोगों के सामने निकल के आ सके। तो अभी आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो मीटर की रीडिंग है वो हमने जीरो कर दी है, और यहाँ पे हम डीजल इसके अंदर पहले ऑटो कट तक फुल करवाएंगे और उसके बाद ऊपर तक। तो 35 लीटर का टैंक है टाटा इंट्रा V30 का, और अभी इसके अंदर लगभग 35 लीटर के आसपास जो डीजल है उससे थोड़ा बहुत ही कम आएगा, क्योंकि एक सेल तो इसके अंदर है, तो लगभग 2 से 3 लीटर डीजल इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अभी देखते हैं थोड़ा सा कि कितना इसके अंदर यहाँ पे डीजल आएगा। अभी हम गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डीजल के प्राइस हैं वो हैं 89 रुपये 58 पैसे। ठीक है, आपके सिटी के अंदर कितना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो 13 लीटर के आसपास अभी आ चुका है, और बिल्कुल खाली टैंक है इसका। और ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो इसके अंदर 1300 किलो वजन पास है, तो वो हमने यहाँ पे इसके अंदर अभी रखा हुआ है, ताकि एक एग्जैक्ट माइलेज जो है वो लोड पे आपके सामने यहाँ पे आए। और जब हम इसको 100 किलोमीटर चला लेंगे, तो 100 किलोमीटर चलाने के बाद भी हम दोबारा इसी पेट्रोल पम्प पर आएंगे और इसी नोजल से इसका टैंक हम फुल कराएंगे। तो 100 किलोमीटर अभी हम इसको चलाने वाले हैं, और आज बिल्कुल एग्जैक्ट जो माइलेज है वो निकल के आएगा। तो 20 लीटर जो डीजल है वो यहाँ पे इसके अंदर अभी आ चुका है। तो अभी डीजल इसके अंदर हो चुका है पूरा 30 लीटर, और ऑटो कट यहाँ पे हो गया है। अब इसको मैन्युअली हम यहाँ पे फुल कराएंगे, ताकि एक एग्जैक्ट जो है वो माइलेज निकल के आ सके आप लोगों के सामने। क्योंकि एक्यूरेट माइलेज जो है वो दोस्तों ऑटो कट से नहीं आता है, ऑटो कट जो है वो चेंज करता है, क्योंकि जब पहले टैंक खाली था, इसके अंदर डीजल भरवाया, फिर ऊपर तक डीजल आया, झाग जल्दी आते हैं, तो ऑटो कट हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे 34 लीटर जो डीजल है वो आ चुका है, और अभी देखते हैं कितना डीजल और आएगा। हो गया। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं डीजल बिल्कुल बाहर तक आ चुका है, बिल्कुल ऊपर तक यहाँ पे डीजल हाँ भरा हुआ है, और 35 लीटर ये समझो आप 35 लीटर ही इसके अंदर हो चुका है, 35 लीटर पूरा डीजल जो है वो यहाँ पे कर दिया है। अब इसको लेके चलेंगे और चलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि माइलेज टेस्ट कितना निकल के आता है। तो डीजल यहाँ पे हमने फुल करवा लिया, और आप देख सकते हैं डीजल के जो सेल हैं वो कंप्लीट फुल हो चुके हैं, और जो ट्रिप ए है उसकी रीडिंग जीरो है, ट्रिप बी की रीडिंग जीरो है, और कंप्लीट यहाँ पे 20,800 किलोमीटर है। अब आपको चला के दिखाएंगे हम इसको। तो दोस्तों अभी हम हाईवे के ऊपर यहाँ पे चल रहे हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ जो इंट्रा V30 है वो अभी तक चल चुकी है यहाँ पे 21 किलोमीटर कम्प्लीट हो चुके हैं, और टैंक आप देख सकते हैं बिल्कुल फुल है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे साथ संजीव जी हैं, जो इस गाड़ी के ओनर हैं।
तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है इंट्रा V30 के साथ, तो वो थोड़ा सा आप यहाँ पे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर करो। चलाने में आपको ये कैसी लगती है, कंफर्ट इसका कैसा है, वो सब थोड़ा सा आप बताओ। कंफर्ट इस गाड़ी का बहुत अच्छा है और चलाने में बड़ा आराम मिलता है इस गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं होती। कितनी लंबे चले जाओ, पहाड़ों में लेके गए हूँ कई बार, कोई चढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आती कैसी भी। और इसका अलाइनमेंट देखिए आप, मैंने स्टेयरिंग छोड़ रखा है और वजन इसके अंदर है, ये बिल्कुल स्मूथ चल रही है गाड़ी, कहीं से कहीं तक भी कोई इसमें कुछ नहीं। हाँ मतलब ये है कि अपनी लेन में चल रही है। जी जी। अच्छा अच्छा, तो जैसे आज हम इसका माइलेज टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद है आपको, कितना माइलेज ये दे देगी? ये 20+ है। 20+। जी जी। क्योंकि लोड हमारा बिल्कुल जितना इसका पास है उतना ही है इसके अंदर, अभी 1300 किलो में ये पास है, ठीक है, और हाईवे बिल्कुल यहाँ पे अभी खाली है, तो 20+ माइलेज जो है वो ये यहाँ पे देगी। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमने चला दिया है इंट्रा V30 को, लगभग 51 किलोमीटर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और आप देख सकते हैं डीजल की अभी तक एक भी सेल जो है वो यहाँ पे कम नहीं हुई है, और हम लगातार इसको हाईवे पे चला रहे हैं, 50 से 60 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। तो मलिक जी ये बताओ जी, इसकी पहली सेल कितने किलोमीटर चलने के बाद डाउन होती है? 100 से ऊपर जाएगा जी, 100 से जो 100 किलोमीटर पूरा हो जाएगा उसके पास ही एक डंडा जाएगा इसका सेल। ठीक है, तो मलिक जी ये बताओ, जैसे 35 लीटर का इसका डीजल टैंक है जी, तो अगर कंप्लीट टैंक हम खाली करते हैं तो कितने किलोमीटर चलती है ये? अगर इसका 35 लीटर डीजल आता है इसके अंदर जी, और 35 लीटर डीजल वजन रखने के साथ ये 650-700 प्लस चलती है, मतलब 650-700 किलोमीटर से 700 किलोमीटर चली जाती है आराम से। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अभी जैसे हम दो बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पे जी, तो काफी स्पेस यहाँ पे है। आगे देखो आप, पैर कहीं तक भी आप इसके अंदर बहुत स्पेस है, लेग रूम बहुत अच्छा है, और ये लीवर इसलिए दिया गया है, यहाँ पर तीसरा बंदा भी बैठा है हम, तो गियर लगाने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो मतलब अगर बीच में आप कोई अपने साथ कोई मतलब रखते हो, जो आपके वो होते को ड्राइवर होता है, कोई भी बंदा होता है जी, जी। तो लगेज रखने की भी 3 आदमी आराम से आ जाते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। अभी जैसे आप इसको चला रहे हो लगातार, और एक सबसे बढ़िया बात है, लॉन्ग ड्राइव पे हम जाते हैं, पानी नहीं मिलता, दूर दूर तक होटल नहीं मिलते, उसके लिए पानी बोतल रखने के लिए भी स्पेस दिया हुआ है खिड़की के अंदर इसके, और यहाँ पे ग्लास रखने के लिए दिए गए हैं दोनों तरफ। हाँ, तो काफी सारी सामान रखने की जगह इसके अंदर, और डिजिटल मीटर दिया हुआ है। हाँ, साथ ही साथ ये मीटर आपका जो है वो गियर भी बताता है जी। अब देखो 5 गियर में चल रही है गाड़ी, 5 गियर दिखा रहा हूँ वहाँ पे। हाँ, 5th गियर दिखा रहा है अभी ये, कि अभी 5वें गियर में चल रही है। तो काफी सारी ये चीजें हैं जो काफी अच्छी है इसके लिए, और ये की लाइट का ये सिस्टम दिया हुआ है, कितने ऊपर करनी है कितने नीचे डालनी है लाइट, ठीक है, हेडलाइट लेवलर। हाँ जी जी, तो ये काफी काम आते हैं आपके जी। चलो जी, तो अभी हमने यहाँ पे इंट्रा V30 को चला दिया है 75 किलोमीटर, और सेल अभी भी आप देख सकते हैं एक भी सेल यहाँ पे कम नहीं हुई है, और लगातार हम इसको हाईवे पे चला रहे हैं, 50 से 60 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सेल कम होगी या नहीं होगी? ये सेल 100 किलोमीटर चलने के बाद कम होगी, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे आपने लगातार इसको 75 किलोमीटर चला भी दिया, और हमको काफ़ी देर भी होगी इसके अंदर बैठे बैठे जी, तो आपको थकान महसूस हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है दोस्तों, यही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इसकी को ड्राइवर साइड सीट पर बैठा हूँ, आप यहाँ पे लेग रूम देखिए, और सीट इसकी इतनी मस्त है, मतलब जो इसकी कमर का रिक्लाइन एंगल है या इसकी अंडर थाई सपोर्ट है वो सब कुछ ओके है। आप इसके अंदर बैठ के 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर की जर्नी आराम से कवर कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं इसके अंदर बैठा हुआ हूँ, लगातार 75 किलोमीटर से ज्यादा यहाँ पे हो चुके हैं, तो थकान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सस्पेंशन इतने अच्छे हैं, लीफ स्प्रिंग जो सस्पेंशन है वो यहाँ पे टाटा ने अपने V30 के अंदर दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उछलता है या बहुत ज़्यादा थकाता है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है, लंबी जर्नी इससे आराम से हो सकती है। अच्छा संजीव जी ये बताओ जी, 10,000 किलोमीटर पे जब सर्विस होती है इसकी जी, तो एक सर्विस में कितना खर्चा आता है? 3,500 जैसे आप टाटा का ट्रक चला रहे हो, और पहले कोई और चलाते थे, अभी आपने टाटा रखना शुरू कर दिया, तो क्या मतलब आपको लगता है कि क्यों ऐसी खास चीज आपको लगी कि टाटा लेना चाहिए? एक तो सर इसका मेंटेनेंस जीरो है, बिल्कुल मेंटेनेंस जीरो, और इसका एवरेज बहुत पावरफुल है, हमारे लिए एवरेज चाहिए, हमें एवरेज बहुत अच्छा है इसका, 20+ ही है, और इसमें चलाने में स्मूथ है ये गाड़ी, इसमें थकान नहीं होती। मैं इसे बहुत लंबी जर्नी पर ले जा चुका हूँ, बम्बई वगैरह, इधर उड़ीसा महाराष्ट्र, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक, पहाड़ों में देहरादून इधर गया था अभी, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक भी, चढ़ाई भी आराम से चढ़ जाती है। ठीक है,
और दोस्तों मेन चीज यही निकल के आती है, जब आप टाटा का कोई भी व्हीकल लेते हैं, चाहे आप कमर्शियल व्हीकल की बात करें, चाहे आप पैसेंजर व्हीकल की बात करें, एक ट्रस्ट ही एक ऐसी चीज है। टाटा पे सबको यकीन है क्योंकि टाटा एक हमारा इंडियन ब्रांड है और सारी जो खास बातें हैं वो यहाँ पे हैं इसके अंदर। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी यहाँ पे इंट्रा V30 जो है वो चल चुकी है 100 किलोमीटर से ज्यादा, और जो इसका फ्यूल का सेल है वो अभी तक डाउन नहीं हुआ है, और आप देख सकते हैं 53 की स्पीड पे यहाँ पे चल रही है। इको मोड पे हम इसको चला रहे हैं। तो संजीव जी आप तो कह रहे थे 100 किलोमीटर पे डाउन हो जाएगा, ये 120 के करीब पहुंचेगा जी। 120 के करीब जी, तो ये फर्क जो आया ये इको मोड की वजह से आया। इको मोड की जो आप पहले बता रहे थे 100 किलोमीटर वो बिना इको मोड के जी, जी, जी। तो जैसे वो तो माइलेज हो गया आपका विदाउट इको मोड, ये हो गया इको मोड के साथ जी। तो अब आपको क्या लग रहा है कि जैसे 100 किलोमीटर चली है तो कितना डीजल इसने खा लिया होगा? 100 किलोमीटर चली है इसने 5 लीटर करीब, 5 लीटर मतलब 20 का माइलेज आप पक्का मान के चल रहे हो, और आप 20 से ऊपर ही है जी। ठीक है, और दोस्तों मैं भी बताऊं आपको, अभी तक तो मुझे ये फील नहीं हुआ है कि हाँ मुझे इसमें से उतर जाना चाहिए या कुछ भी, क्योंकि सस्पेंशन इतने अच्छे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, आप देख सकते हैं लोड बरकरार इसके अंदर जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, और अभी लगभग हम इसको चलाने वाले हैं और 7-8 किलोमीटर फिर सेम पेट्रोल पंप पे जाके, सेम नोजल पे जाके इसके अंदर जो डीजल है वो वहां पे फुल करवाएंगे, और आपको दिखाएंगे कि कितना एक्चुअल माइलेज जो है वो टाटा इंट्रा V30 ने यहाँ पे दिया है। तो दोस्तों अभी हम पेट्रोल पंप पे यहाँ पे आ चुके हैं, और देख सकते हैं आप जो लोड है वो ऐसे ही रखा हुआ है, सेम पेट्रोल पंप से नोजल फुल करवाएंगे इसका, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी कितने किलोमीटर इसने कंप्लीट यहाँ पे जो जर्नी है वो करी है। तो ये आप देख सकते हैं 111.5 किलोमीटर चला है, फ्यूल की सेल एक भी डाउन नहीं हुई है, और जो इसका ओडोमीटर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 20,912। जब हम लेके चले थे तब तक ये 20,800 किलोमीटर, अभी 20,912 है। ट्रिप ए में भी 111 और ट्रिप बी में भी 111.5। तो अभी आपको यहाँ पे इसका कंप्लीट टैंक टू टैंक जो माइलेज है वो दिखाएंगे, सेम इसी नोजल से हमने इसमें पहले डीजल भरवाया था और सेम इसी नोजल से अभी इसको बिल्कुल फुल करवाएंगे। पहले ऑटो कट तक दिखाएंगे और फिर ऊपर ब्रिम तक इसको फुल करवाएंगे, और पहले भी भैया ने डाला था इसके अंदर डीजल, तो देखते हैं क्या कुछ माइलेज जो है वो यहाँ पे निकल के आता है। तो मैन्युअली ही पहले इसको चाबी से यहाँ पे अनलॉक करना पड़ता है। ठीक है, पहले ऑटो कट तक करना है ना। ऑटो कट हो गया, टैंक फुल है, चलो तो मैन्युअली फुल कर दो। तो ऑटो कट बार बार दे रही थी नोजल क्योंकि टैंक ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि फुल ही है, क्योंकि डीजल इसके अंदर ऊपर तक भरवाया था, और नोजल आप देखते हैं इसकी शेप इस तरीके की है कि इसके अंदर पूरी चली जाती है, तो जल्दी यहाँ पे ऑटो कट हो जाता है। तो मैन्युअली ही देखते हैं अभी कितना डीजल इसके अंदर यहाँ पे आएगा, और ये आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डीजल बिल्कुल ऊपर तक यहाँ पे आया है, और डीजल आया है 4.43 लीटर, और ये हिला भी रहे हैं यहाँ पे इसको ताकि और डीजल इसके अंदर आए, क्योंकि पहले भी हमने हिलाया था इसको, और अब डीजल बिल्कुल ऊपर तक है, और यहाँ पे आया है 4.52। तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताता हूँ कि 111.5 किलोमीटर की जर्नी जो है उसके अंदर हमारा यहाँ पे आया है 4.52। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो माइलेज निकल के आया दोस्तों यहाँ पे 24.66 का, 111 किलोमीटर चलाने के बाद 4.52 लीटर डीजल, और अच्छा खासा जो माइलेज है वो यहाँ पे निकल के आया है 24.66, 24.5 से ज़्यादा का माइलेज यहाँ पे निकला है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा माइलेज है। मेन मुद्दा ये है कि टाटा की यही खास बात है कि जो वो बोलते हैं वो करते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं ये टैंक बिल्कुल ऊपर तक यहाँ पे पानी से भरा हुआ है, और इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट वही वजन है जो इसका पास है, यानी कि 1300 kg, 1300 किलो इसके अंदर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने यहाँ पे आपको दिखाया टाटा इंट्रा V30 का एक माइलेज टेस्ट, जो कि टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट था, और आपको कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये माइलेज देखने के बाद यहाँ पे मैं काफ़ी खुश हूँ
क्योंकि इको मोड पे इसने काफी अच्छा खासा माइलेज जो है वो क्लेम किया है। अगर आपके कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप टाटा इंट्रा V30 का ओनरशिप रिव्यू देखना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में यही सब बातें थी, वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।